अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स को साफ करने के लिए क्या प्रोसीजर है, किन प्रोसीजर्स का ख्याल करना चाहिए कि जिससे आपकी ज़िंदगी को भी नुकसान ना हो और कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगने के भी चांसेस ना हो। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। करंटली पाकिस्तान में आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी लोगों को करंट लग रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि लीकेज करंट बहुत है सिस्टम्स पे, दूसरी वजह यह है कि अर्थिंग ही नहीं हुई हुई, प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई हुई, और प्रॉपर के अलावा वैसे ही अर्थिंग को तो किसी खाते में काउंट ही नहीं करते कि अर्थिंग की रिक्वायरमेंट भी है। 500 किलोवाट के सिस्टम लगा लेते हैं विदाउट अर्थिंग, और उससे फिर सिस्टम में फॉल्ट जो आते हैं वो अलग होते हैं, और जो लोगों को करंट लगते हैं वो अलग हो रहे होते हैं। तो 3-4 प्रिकॉशंस बेसिक्स ही। नंबर वन ये है कि जब भी आप सोलर पैनल साफ़ करें, बहुत सारे लोग अपनी वीडियोज़ में कह रहे होते हैं जी सोलर पैनल आप शाम के वक्त साफ़ करें, आप ऐसे टाइम पर आप सोलर पैनल का ब्रेकर ऑन ही रहे, चलते सिस्टम में भी धो लें। प्रेफरेबली जब भी आपने वॉश करने हैं सिस्टम को शट डाउन कर दें, कम्प्लीटली शट डाउन कर दें, उसका एसी मेंस भी ऑफ़ कर दें, डीसी ब्रेकर्स भी ऑफ़ कर दें अगर आपके डीसी ब्रेकर्स किसी ने लगा के दिए हैं। अगर आपको डीसी ब्रेकर लगा के नहीं दिए और सिर्फ आपका वो डीसी डिस्कनेक्ट स्विच है जो इन्वर्टर के साथ लगा हुआ होता है, तो आप उसी पर इक्तफा करें और उसी को ऑफ़ कर दें, क्योंकि अब आपका वही कट ऑफ पॉइंट है। जो जो सिस्टम में सारी इक्विपमेंट आप ऑफ़ कर सकते हैं वो सब ऑफ़ कर दें, ताकि सिस्टम आपका ऑफलाइन चला जाए, सिस्टम में कोई रनिंग करंट डेवलप ना होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए। दूसरा, जब भी वॉश करें तो इंसुलेटेड ग्लव्स होने चाहिए, रबर के ग्लव्स होने चाहिए, इंसुलेशन होनी चाहिए, और रबर के बूट्स होने चाहिए, वेलीज होनी चाहिए, वेलिंगटन जो होते हैं, ताकि जो करंट है उसके पास होने के चांसेस कम से कम होए। उसके बाद जो आप रॉड यूज़ करते हैं, जो आप ब्रश यूज़ करते हैं, वो भी प्रेफरेबली नॉन कंडक्टिव मटीरियल का होना चाहिए। लोहे का डंडा लेके, लोहे का बांस, लोहे का पाइप लेके जी, वो पानी का जो पाइप आता था लोहे का जी, वो बड़ा मजबूत होता है, तो उसी के आगे ब्रश जोड़ के उससे वॉश करें। अगेन कंडक्टिव मटेरियल है, ज़रा सा भी स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होएगा तो वो डिस्चार्ज तो फिर आपके थ्रू ही होएगा ना। तीसरी बात, जो भी आप वॉकवे बनाते हैं किसी वॉकवे के ऊपर चढ़ के करें, आप सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्टली चल के जब वॉश करते हैं, सोलर पैनल टिल्ट एंगल पे लगे होते हैं, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक के साथ साथ आप स्लिप होकर भी नीचे गिर के मर सकते हैं। तो सेफ्टी को इंश्योर करें, बेसिक से पैरामीटर्स हैं। और उसके साथ साथ जब आप अर्थिंग करवाते हैं तो सोलर पैनल्स भी आपके अर्थ होने चाहिए, सोलर स्ट्रक्चर भी आपका अर्थ होना चाहिए, और वो जो अर्थ है उसका जो अर्थ फिट है आपने उसको भी मेंटेन रखना है। अर्थ फिट में आपने मॉइस्चर जो कंडक्टिविटी है उसको इंश्योर करना है, पीरियडिकली उसमें वाटरिंग करें, पीरियडिकली पानी डालें। उससे पहले जब अर्थिंग करवाते हैं तो किसी स्टैंडर्ड की अर्थिंग करवाएं, बिल्कुल ही 2 फिट का खड्डा खोद के उसमें सरिया डाल के बोलें कि मैंने अर्थिंग करवा ली है। ये भी हो रहा है पाकिस्तान में, हो रहा है, तो ये सब चीज़ें फिर देर पानी चलती हैं, वो शुरू में 2-4 महीने चल जाती हैं, बट 6 महीने साल बाद ही उसकी रियलिटी सामने आ जाती है कि वो अर्थ पिट जो थी वो फारिग हो गई है, तो अब जो भी स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, दीवारें हैं, उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, उसमें नॉर्मल कंडक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होती, तो फिर जब आप टच करते हैं तो आपके थ्रू बहुत फास्ट कंडक्शन हो जाती है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? एक बात का और ख्याल करें, जो स्पेशली इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा पैनल्स लगे हुए होते हैं, और उसमें एक तो कुछ मोस्टली जो हमने देखा है कि वॉकवेज नहीं बने हुए होते, और अगर वॉकवेज बने हुए भी हों तो जो वॉशिंग करने वाले लोग होते हैं वो पैनल्स के ऊपर चढ़ के वॉश कर रहे होते हैं कि जी ये तो पैनल बहुत ज़्यादा है, इस तरह वॉश ही नहीं होते। अब जब आपके पास 1,000, 4,000, 5,000 पैनल लगा हुआ होगा, उसमें से आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई पैनल टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। अगर खुदा ना खासा कोई बुलेट आके लगी हुई और वो क्रैक हो और आप ऊपर से पानी डाल रहे हो तो लीकेज करंट किसको लगेगा? ज़मीन को जाके थोड़ी लगेगा। आप उस पैनल के ऊपर खड़े हैं, पैनल क्रैक हुआ हुआ है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, दोपहर का या शाम का टाइम है, पैनल जो है वो डीसी वोल्ट बना रहा है और आप उस पैनल के ऊपर खड़े हुए, तो उसका जो करंट है वो आप ही को लगेगा, और फिर जो उसके रिपरकशन है वो आप ही को फेस करने पड़ेंगे, उसका झटके भी आप ही को लगेंगे। इसलिए रिस्क ना लें, ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। सोलर पैनल्स को साफ़ करना मकसद था, जान देना मकसद नहीं था कि इसके ऊपर चढ़ के नाच नाच के हमने पैनल साफ़ करने। पैनल्स को लिए आप वॉकवे के ऊपर खड़े हो, अगेन ग्लव्स पहने, रबर बूट्स पहने, और वॉकवे के ऊपर खड़े होकर पैनल को साफ करें, और जो पैनल्स टूटे हुए हैं उनको चेंज करवा लें एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि उसका लीकेज करंट बाकी पूरे स्ट्रक्चर में ना आ रहा हो। स्पेशली जब आप पानी डाल के जो है उसका लीकेज करंट ले रहे हैं तो वो तो फिर अल्लाह ही मालिक है उसका। तो बिल्कुल, अगले वीडियो को आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपने सोलर पैनल्स वॉश करते हुए क्या क्या हैजर्ड्स फेस करी होंगी, और क्या क्या किस किस तरह उस हैजर्ड को अवॉइड किया जा सकता है, ताकि बाकी लोग भी उन चीज़ों को अवॉइड करें, इससे पहले कि उनको भी वो चीज़ फेस करनी पड़े।